केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी का धरना प्रदर्शन होगा, जहां सदन से लेकर सड़क तक योगी सरकार को घेर रही समाजवादी पार्टी किसानों, मजदूर और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवा तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवा, आपसे जानना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का आज ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने केंद्र और राज्य की सरकार के खिलाफ और उन खासकर हम ये कहें कि उनकी नीतियों के खिलाफ एक हल्ला बोल का कार्यक्रम आज करेगी, पूरे प्रदेश में करेगी, सभी जिलों में और ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर यह हल्ला बोल होगा। और जिसमें जो भी खराब हो चुके जो किसानों के फसलें हैं, जिनमें से खास तौर पर आलू की, जो आलू किसानों की जो सबसे बड़ी समस्या है, तो वो सब इकट्ठा करके जो उस जिले के भाजपा के प्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी के या सरकार में शामिल, तो उनके घरों के आसपास जाकर वो फेंकेगी। इस तरीके का जो ये आज हल्ला बोल का कार्यक्रम है समाजवादी पार्टी का, जो कि सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार की नीतियों से जिस तरीके से किसानों की बदहाली हुई है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कदम उठाया है। पूरे प्रदेश में ये हल्ला बोल करेगी समाजवादी पार्टी, और इसके साथ साथ राजधानी लखनऊ में भी ये हल्ला बोल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो आज हल्ला बोल होगा, सरकार की नीतियों को लेकर समाजवादी पार्टी, आपको बता दें, विरोध प्रदर्शन करेगी। बीते दिनों में भी जिस तरह से विधानसभा सत्र की जब शुरुआत हुई, बजट भी को लेकर जिस तरह से बात की गई थी, उसमें भी लगातार समाजवादी पार्टी का, साथ ही साथ विपक्ष का हंगामा देखने को मिला था। अब वही हंगामा सड़कों पर भी देखने को मिलेगा।